मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल और आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही रोमांटिक पोयम जिसका नेम है थिनर देन अ क्रिसेंट। गाइस, ये जो पोयम है ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो राइटर है इन्होंने राधा और कृष्ण के प्यार भरी मोहब्बत को दर्शाया है। सो गाइस, बिना डिले किए हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे विद्यापति के बारे में, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका बिहार बोर्ड में जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, हम लाइन बाय लाइन तो नहीं बट यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट विद्यापति लेंगे। सो ये जो विद्यापति हैं इनका जन्म बिसापी मधुबनी में हुआ था। एक बिसापी नाम का विलेज है मधुबनी में, वहाँ पर जन्म हुआ था इनका। विद्यापति का जन्म ऐसे बिहार में हुआ था, मधुबनी का है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। सो ये बिहार से बिलोंग करते हैं गाइस। थोड़ा सा हम लोग को जान लेना है मधुबनी है कहाँ। तो हम क्या करते हैं, जब मैप लेते हैं बिहार का और उसमें डिवाइड करते हैं डायरेक्शन, तो इनका जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये नॉर्थ बिहार के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इसलिए इनका जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट लोकेट करता है मैप पे ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार गाइस। सो आपसे पूछा जाएगा जो विद्यापति है बिहार के कौन से साइड से बिलोंग करते, तो बोलेंगे क्या ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार मींस उत्तरी बिहार के क्या पूरब की तरफ पड़ने वाला जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं गाइस। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारा पोयम लिखा है और इनके पोयम में जो है ना ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं राधा और कृष्ण के बारे में लव ए सॉन्ग है, मतलब कि एक तरह का सॉन्ग है, एक तरह का पोयम है जिसमें ये राधा और कृष्ण की प्रेम का चर्चा इन्होंने किया है। सो गाइस, ये जो राधा और कृष्ण का प्रेम रहा ये इंडियन मिथोलॉजी में या इंडियन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इतना प्रेम और इतना मोहब्बत करने वाला इंसान और कोई नहीं हो सकता एक्सेप्ट राधा और कृष्ण का। ऐसे तो बहुत सारे हैं गाइस जिसका नाम आता है हीरा और रांझा, लैला मजनू, लेकिन इंडियन मिथोलॉजी में राधा और कृष्ण का प्रेम एक अकल्पनीय है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना ये लोग मोहब्बत किया करते थे। सो गाइस, विदाउट डिलेइंग हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है और ये जो विद्यापति है क्या शो करवाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना पूरी पोएम का निचोड़ देती है। सो यहाँ पर कहता है हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव, आपकी कितने ऐसे दोस्त हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसका कोई दोस्त नहीं होगा। हु अमंग देम हैज हेल्प्ड यू, कहता है कि आपके जितने दोस्त हैं उसमें से सबसे ज्यादा हेल्प कौन किया, तो अपनी अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, हैव यू बीन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या कभी अपने पेरेंट्स से बिछड़े हो लंबे समय के लिए, कहीं पेरेंट्स को छोड़कर कि आपको जाना पड़ा है। हाउ डिड यू फील देट, अगर जाना पड़ा है तो उस समय आपको कैसा लगता है। तो गाइस ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना एक क्लियर कर दे रहा है कि इसमें राधा और कृष्ण का क्या हो रहा है, बिछड़ना हो रहा है, जुदाई हो रहा है। आप लोग गाना तो सुने होंगे जुदाई जुदाई, ये सॉन्ग जो है ना आप जरूर सुनिए। तो बहुत सारा सॉन्ग है गाइस ये प्रेम प्रसंग पे, जुदाई पे, और आजकल तो कहना ही नहीं है। जब जो एडोलेशन पीरियड में बिलोंग करते हैं बच्चे, टीनेजर होते हैं, तो जैसे उनका ऐसा देखा जाता है जो गर्ल्स है वो बॉयज़ की तरफ और जो बॉयज़ है वो गर्ल्स की तरफ क्या होते हैं, झुके होते हैं, उनका अट्रैक्शन पॉइंट होता है। और कभी कहा सुनी होता है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, वो क्या करते हैं तुरंत से स्टेटस पर अगर कुछ हो गया अनबन
दोनों में बात करना बंद हो गया, कुछ कहा सुनी हो गया, तो अपना स्टेटस पर सॉन्ग लगा देते हैं मूड ऑफ। और सॉन्ग भी क्या होता है, सैड सॉन्ग, एक हाथ में शराब पीते हुए बोतल वाला, या फिर ये सिगरेट पीते हुए, और इस तरह से ऐसा शो करता है कि चलो आज से मेरा दोस्ती ख़त्म। खैर, यहाँ पर जो राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग है इस तरह का नहीं है, कुछ और है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। सो गाइस पे अटेंशन, बीच बीच में यार आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहो, इससे होगा कि हमें मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए अपने चैनल पे लाता रहूं। सो गाइस यहाँ पर है थिनर देन अ क्रिसेंट। क्रिसेंट बोलते हैं चांद, वो चांद जो क्या होता है, एकम का होता है, एकम का चांद बहुत कम लोग देखे हैं। और थिनर, थीन से बना है थिनर, थीन थिनर थीनेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, उसी तरह से थीन थीनर थीनेस्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिसेंट के जो चांद है उससे भी थीनर, मतलब उससे भी पतला। ओके, अब क्या चीज है भाई जो एकम के चांद से भी पतला होता है या पतली होती है, चलिए देखते हैं इस पोएम को। आखिर जो पोएट है विद्यापति, उन्होंने इस पोएम का जो टाइटल रखा एकम के चांद से भी पतला क्यों रखा, थिनर देन अ क्रिसेंट क्यों रखा, तो समझते हैं इसको। पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। हर टीयर्स कार्ड अ रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट्स एंड कन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पे जो पोएट है विद्यापति, उन्होंने फर्स्ट अस्टांजा में कहा है कि उसकी आंसू, किसकी आंसू भाई, राधा की आंसू, हर स्टैंड फॉर राधा, और अगर ही आता है या ही जाता है तो कृष्णा के लिए आएगा। तो ये आपको अंडरस्टूड करना होगा। तो यहां पर बताते हैं कि उसकी जो आंसू है, टीयर्स है, इतनी रोए जा रही, इतनी रोए जा रही, इतनी रोए जा रही है, इतनी रोए जा रही है कि उसकी आंसुओं से एक नदी का निर्माण हो जाता है। अर्थात तो इतने कृष्ण को लेकर के व्याकुल है कि उसके आंख से जो आंसू निकल रहे वो नदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, और ओ उस नदी के तट पर किनारे वो क्या है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, और उसका दिल माइंड कन्फ्यूज्ड हो गया है। मीन्स श्री कृष्ण राधा से बिछड़ गए हैं, अलग चले गए हैं, दूर हो गए हैं, और उनकी तन्हाई में जो राधा है रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, और इतना रो रही है कि वो खुद ही कन्फ्यूज्ड हो गई है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक गाइस फर्स्ट अस्टांजा क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकेंड अस्टांजा, यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर हर फ्रेंड्स बिलीव डेट जॉय मे कम अगेन एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस। अब इतनी ज्यादा कन्फ्यूज हो गई है कि उसके सहेली कुछ पूछते हैं तो रिप्लाई कुछ और देती है। जैसे देखते हैं भाई, जब क्या होता है कोई आदमी कन्फ्यूज होता है, हम कुछ और पूछते तो रिप्लाई कुछ और देता है, ठीक उसी तरह से यहाँ राधा का हाल वही हो चुका है। वो इतनी श्री कृष्ण की दीवानी हो चुकी है कि कोई भी इंसान कुछ पूछ रहा है उसका रिप्लाई ना दे करके वो रिप्लाई कुछ और दे रही है। मीन्स इतना ज़्यादा कन्फ्यूज, इतना ज़्यादा कि कहना मुश्किल है। ऐसे कुछ क्लासेस में भी हुआ करते हैं कुछ स्टूडेंट,
और उनकी निगाहें कहीं और होती है। जब हम पूछते हैं किसी से कुछ क्वेश्चन तो रिप्लाई कुछ और देते हैं, ऐसे होते हैं। खैर होना भी चाहिए, आप लोग भी टीनेज में हो भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है, हर फ्रेंड्स बिलीव डेट्स वाई मी कम अगेन। अब उसकी जो दोस्त है राधा को समझा रही है, राधा डोंट बी वरी, तुम दुखी मत हो यार, अरे अभी थोड़ा सा कष्ट है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूर चले गए क्या बात है, वो फिर वापस आएंगे, तुम्हारी जो जुआ है वापस फिर से आएगी, तुम इतना उदास क्यों हो, अरे मन में तो भाव रखो यार, इस सारा चीज अभी इतना रोई जा रही हो, इतने कंफ्यूज्ड हो, इस सब क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा, बस यार बिलीव करो यार, वो कृष्ण आएगा तुमसे मिलने, तुम क्यों उदास हो। जैसे यहाँ पर हम लोग भी क्या कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं, कहीं दूसरे के यहाँ जाते हैं या फिर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इच्छा नहीं होता, या फिर मेरी मदर होती है या फिर आपकी मदर होती है, वो नहीं जाने देना चाहती अपने बच्चों को, रोने लगती है, लेकिन घर के और जो फैमिली होते हैं, घर की जितने भी फैमिली होते हैं, समझाते हैं कि अरे पढ़ने तो ही जा रहा है, फिर वापस आएगा, इसलिए आप उदास क्यों हो रही, रो क्यों रही है। ठीक वैसा ही हालत यहाँ पे राधा के साथ है, और कृष्ण के वियोग में वो क्या है, रो रही है। मीन्स कृष्ण का इतनी दीवानी हो चुकी है कि उसका कृष्ण का वियोग उसे सहा नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर उसकी जो सहेली है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, उसको बिलीव दिला रही कि तुम्हारी जो खुशी थी पहले वाली वो फिर से वापस आएगी, राधा तुम उदास मत हो। सो नाउ नेक्स्ट अष्टांजा। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। राधा ईच डे ग्रोज थीनर थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। अब यहाँ पर इस अष्टांगिका में विद्यापति राधा के कंडीशन को डिनोट किया है। इस अष्टांगिका में राधा की दोस्त श्री कृष्ण के पास जाती है और बोलती है, ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू। ओ माधव, मैं तुम्हारे पास आया हूँ इन्फॉर्मेशन को लेकर के, कुछ सूचना है और उसको मैं शेयर करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। राधा प्रत्येक दिन थीनर होते जा रही है, थीनर होते जा रही है, और राधा की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी उसकी स्वास्थ्य गिर चुकी है कि हर दिन वो धीरे 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 थीनर होते जा रही है, पतली होते जा रही है, और उसका हाल क्या हो गया है, थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। मीन्स एकम के चांद से भी पतली आपकी वियोग में हो चुकी है, अर्थात ओ माधव तुम्हारी याद में वो इस कदर पागल हो चुकी है, इस कदर तड़प रही है कि उसका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरते जा रहा है। सो हे माधव, एक बार यार तुम राधा से मिल लो। ऐसे ही कुछ लड़के या लड़कियां क्लासेस में भी होते हैं, और वो अपने दोस्त का कंडीशन उसके जस्ट अपोनेंट्स से किया करते हैं। कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, खैर आप लोग तो इसमें पारंगत हो भाई। चलिए अब देखते हैं कि और क्या होता है आगे, और क्या होने जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस है गाइस, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाई इज राधा क्राइंग। अच्छा राधा रो क्यों रही है, क्राई क्यों कर रही है, क्वेश्चन तो मैंने बताया था भी, आंसर इसका भी बताया था कि और जो कृष्ण है वो राधा से दूर चले गए हैं, बिछड़ गए, कहीं और चले गए, जिसके वियोग में वो क्या कर रही है, क्राइंग कर रही है। व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर टू
बाई हर फ्रेंड। कहते हैं कि वो दो फीलिंग है जो राधा के दोस्तों के द्वारा श्री कृष्ण को रेफर किया जा रहा है। कौन कौन वो फीलिंग है? तो फर्स्ट तो वो क्यों दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही, थीनर होते जा रही है। और दूसरी चीज राधा की दोस्त और क्या कर रही है, वो होप दिलवा रही है कि वो मोमेंट जिसको तुमने इंजॉय किया वो फिर से वापस आएगा। नेक्स्ट है टू हुम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट। ये जो फ्रेंड है राधा की वो किसको रिपोर्ट दे रही है? तो वो श्री कृष्ण को दे रही है, माधव को दे रही है। माधव डैट मीन्स व्हाट? श्री कृष्ण। उसके बाद है व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन। राधा के दोस्त का क्या बिलीव है? राधा का दोस्त का बिलीव है गाइस क्या? राधा का दोस्त का बिलीव है यहाँ पर कि वो जो श्री कृष्ण है मीन्स उनका जो पहले का जो जॉय था डेट जॉय में कम अगेन, वो फिर से जो जिस तरह से इंजॉय करते थे वो फिर से वापस मौका मिलेगा उस चीज़ों को करने के लिए। इसके बाद है व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन। तो राधा का सॉरी तो हम लोग कर लिए। व्हाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा के पास क्यों गया राधा, क्यों गई राधा की दोस्त? तो रिपोर्ट करने के लिए मीन्स टू से समथिंग अबाउट कंडीशन ऑफ राधा टू माधव। नहीं अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गाइस। ओ सॉरी गाइस यहाँ पर पोएम भी क्या होगा फिनिश्ड हो गया, यानी इसमें टोटल स्टांजा आपका है 1 2 3 ही स्टांजा है। और गाइस हम लोग अब इसको कंप्लीट कर चुके, अर्थात इसमें हम लोग देखे कि राधा इतनी दीवानी हो चुकी है श्री कृष्ण का कि उसके बगैर वो अपने लाइफ को क्या कर चुकी है, ऐसा फील कर चुकी है मेरे बॉडी में कुछ है ही नहीं, श्री कृष्ण के बिना मैं अधूरा हूँ। इसलिए वो रो रही है, इतनी रो रही है कि उसका आँख का जो आंसू ऐसा मानो पड़ रहा है कि वो नदी का रूप धर लिया। और वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुकी है, कि लोग उससे पूछ रहे हैं कुछ और तो रिप्लाई कुछ और दे रही है। और इस चीज़ को उसके जो फ्रेंड्स है उसको क्या करती है, समझाती कि राधा देखो इतना तुम पागलपंती मत करो यार, वो खुशी तुम्हें फिर से मिलेगी। और मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा उसके जो फ्रेंड है वो केयर करती है, समझाती बुझाती है। और फाइनली राधा की जो सहेली है दोस्त है वो माधव को रिपोर्ट भी करती है कि ओ माधव मैं तुम्हारे पास आई हूँ राधा से संबंधित बात को लेकर के। और वो सारी कंडीशन को बताते कि राधा की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि ऐसा फील हो रहा है कि उसका लाइफ क्या हो गया, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। जिस तरह से स्काई में एकम का चांद, मतलब पहला दिन जो चांद आता है वो किसी को दिखता भी है नहीं भी दिखता है, तो उस तरह का उससे भी पतली राधा की हालत हो चुकी है। मतलब कि राधा का स्वास्थ्य इतना गिर चुका है कि कहना मुश्किल है। और इस तरह से गाइस पोएम आपका फिनिश्ड होता है। हम लोग क्वेश्चंस को भी देख लिए, कुछ वर्ड मीनिंग है गाइस उसको देख लेते हैं। कार्व का मतलब यहाँ पर गाइस क्या है, टू मेक समथिंग बाई कटिंग विद नाइफ। मतलब कि हम नाइफ से काट करके क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं ना कार्व, उसको हम बोलते हैं कार्व, ठीक है। ब्रूड का मतलब गाइस हो जाता है यहाँ पर टू कंटिन्यूअली थिंक अबाउट समथिंग पेनफुल। मतलब किसी को सोच सोच करके पागल हो जाना, मतलब कि कष्ट में अपने लाइफ को व्यतीत करना, चिंतनशील होकर के किसी चीज़ पर चिंता करके उससे क्या व्यर्थ में पेन गेन करना। कन्फ्यूज्ड का मतलब यहाँ पर बोल रहा है गाइस पजल्ड। कन्फ्यूज तो एवरीबॉडी समझते ही है कि मतलब क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता है तो हम बोलते हैं कन्फ्यूज्ड। बैनिश का मतलब टू ड्राइव अवे और टू एक्सपेल, मतलब कि गायब हो जाना। और सीज का मतलब टू स्टॉप, मतलब रोकना। क्रिसेंट का मतलब क्या, द कर्व शेप ऑफ द मून
इट्स फर्स्ट फेज, मतलब कि मून का जो पहला दिन होता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट गाइस। और इस तरह से आपका जो पोएम है वो पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है गाइस। इस पोएम में आप सच में इंजॉय किए हैं तो मेरे चैनल को गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अधिक शेयर करें गाइस, ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रोथ कर सके।